शहद के फायदों बारे तो तुसी अक्सर ही सुनिया होगा, पर की तुसी जानते हो कि कई बार लाभदायक चीज़ा भी सेहत ते माड़ा प्रभाव पा जांदियां ने। जी हाँ, शहद भावें जिन्ना मर्जी फायदेमंद क्यों नहीं है, पर इस नूं कदे कदे कुछ चीज़ां च मिला के खाना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अज तुहानूं इन्हां ही चीज़ों बारे दसन जा रहे हैं। सब तो पहला तो असी अक्सर ही शूगर तो बचन दे लई चाह दे विच शहद मिलांदे आ। दस दईए कि इह उन्ना फायदेमंद नहीं है जिन्ना कि असी सोचते हाँ। अक्सर ही लोग सवेर की शुरुआत गर्म पानी शहद मिला के पीन दे नाल करदे ने, पर आयुर्वेद मुताबक इस नाल शहद का तापमान वध जांदा है, जिस करके ये शरीर दे लई जहरीला साबित हो सकता है। बहुत ज़्यादा गर्म पानी ते शहद इकट्ठे पीन नाल पाचन क्रिया खराब हो जाती है। कि तुहानू पता है कि देसी घ्यो तो बनिया चीज़ा जिमें कि मिठाइया दे विच वी शहद ते घ्यो दोवें हुंदे ने, इह कॉम्बो सेहत दे लई बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। शहद ते घ्यो नूं बराबर मात्रा दे विच खाणा सेहत दे लई नुकसानदेह हो सकदा है, इसलिए घ्यो ते शहद नूं कदे वी इकट्ठे नहीं खाणा चाहीदा। कदी कदी असीं मसालेदार चीज़ों के शहद पाना पसंद करते हैं, जिमें कि चिल्ली पोटैटो। इस तरह दीज़ा खानिया भी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती ने, क्योंकि मसाले तो शहद का कॉम्बीनेशन बहुत ही ज़्यादा भैड़ा मनिया जाता, पर इन दोवों का मिश्रण साड़ी सेहत लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, क्योंकि शहद खाने नाल पाचन क्रिया खराब भी हो सकती है। दस दईए कि हर्बल टी दे विच वी शहद मिलाना ज़्यादा ठीक नहीं मनिया जाता। कुछ कचेर लिए तो यह सही है, पर दुध के नाल लोकल चाह शहद मिला के पीना काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि दुध का तापमान तो पीएच वक्रा होंगे तो शहद का पीएच वक्रा होंगे। जेकर दोवें इकट्ठे मिल जाए तो यह शरीर के अंदर गर्मी पैदा कर सकते हैं, जो कि तुहाड़ी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। दस दिए कि बहुत ज़्यादा गर्म भोजन के नाल कभी भी शहद का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दे नाल शरीर के गर्मी वध जाती है, जिस दे नाल पाचन संबंधी समस्यावां उल्टियां ते होर सेहत समस्यावां हो सकदियां ने। इन्हां भोजनां दे विच अंडे ते मांसाहारी चीज़ां शामिल हो सकदियां ने, तां इन्हां चीज़ां दे नाल शहद खाण नाल तुहानूं परहेज़ करना चाहीदा है, ताकि तुहाडी सेहत वधिया रह सके।